तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में हम मानव के कुछ स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे और कुछ आम तौर पर होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आप बुक खोलेंगे तो उसमें MS स्वामीनाथन के बारे में लिखा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। MS स्वामीनाथन, छोटी क्लास में आपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप फिर भी चाहेंगे तो मैं हरित क्रांति के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसके परिणामस्वरूप हम भारत में ही अब खाने वाली चीजें उगा लेते हैं। इसी तरह नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर देखा जाता है। तो यह दोनों चीजें आप याद रखेंगे। फिर अगली चीज याद रखेंगे, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। तो यह तीन चीजें आप एज इट इज याद रखिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछता है, कहता है ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो अब आगे देखिए, WHO इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। समझे कि नहीं? तो इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? यह क्वेश्चन आता है, कहता है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। तो पहले मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर नीचे हिंदी में लिखा है, इसको एज इट इज याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर का आ ही जाता है। कहता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए WHO के अनुसार, तो क्या होगा? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या है, समझिए इसको। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ है। सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति ही व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बनाती। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझ में आए तो हिंदी में इसको आप लिख लीजिए। फिर देखिए, जो हिंदी में मैंने नीचे लिख रखा है, तो लिखा है जब शरीर के सभी अंग आपस में वह बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही कार्य करते हैं, तो इस दशा में शरीर को स्वस्थ या निरोगी कहा जाता है। अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक, मानसिक व शारीरिक संतुलन की स्थिति में होता है। समझे कि नहीं? अगर आप स्वास्थ्य की परिभाषा इसको ऐसे याद नहीं रख पा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिखना कि स्वस्थ व्यक्ति तभी कहलाएगा जब वह सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति ही व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बनाती। तो समझ गए, यह परिभाषा होती है स्वास्थ्य की परिभाषा। आगे देखिए, जब हम कहते हैं स्वास्थ्य, तो इस स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होंगे, तो उन कारक के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार का मतलब होता है कि जो जन्म से ही हमको विकार मिले, जैसे जन्म से ही हमारा एक पैर टेढ़ा है, जन्म से ही हमारे दो हाथ हैं या फिर छह उंगलियां हैं, तो ये क्या है? अनुवांशिक विकार है, ये जन्म से ही हमको मिलता है। ठीक है, फिर है संक्रमण, यानी कि किसी कारणवश हमको कोई रोग हो गया। समझे कि नहीं? फिर अगला है जीवन शैली, यानी कि खाने पीने में हमारी कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हमको क्या हुआ, हमको कोई रोग उत्पन्न हो गया। तो यह क्या है, यह क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन्हीं दो की व्याख्या करिए। तो आपको किन्हीं दो के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। ये विकार जीन या गुणसूत्र की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हमें माता पिता से जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ये वंशांगत होते हैं। यानी कि अनुवांशिक विकार का मतलब क्या होता है, जो जन्म से ही हमको मिले और हमारे जीन में फेर बदल कर दें, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाए, कोई रोग उत्पन्न हो जाए। आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, ये क्या है, अनुवांशिक विकार है, जन्म से ही हमको मिलते हैं, माता पिता से ही मिलते हैं। हीमोफीलिया हो गया हमको, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये रोग हैं जो जन्म से ही हमको माता पिता से हमको मिल गए, अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है संक्रमण। संक्रमण के बारे में कहेंगे, तो संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं। अब आगे देखिए, अनेक रोगाणुओं के संक्रमण से भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ आदि मुख्य संक्रमण कारक है। तो संक्रमण का मतलब क्या होता है, किसी जीवाणु या विषाणु की वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो जाए। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड एक फीवर है जिसे हम मियादी बुखार कहते हैं। तो यह क्या है, संक्रमण है, यानी कि दूषित जल या दूषित भोजन खाया तो हमको क्या हो गया, संक्रमण हो गया, टाइफाइड हो गया हमको। समझे कि नहीं? अगला देखिए, जीवन शैली। जीवन शैली में यानी कि लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या होता है कि आजकल हमारे जो खाने पीने की आदतें हैं, दिनचर्या है, जो हमारा आज का इंटरनेट का जमाना है जिसमें हम क्या करते हैं, खूब ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हम उचित व्यायाम नहीं कर पाते हैं और जो हमारे खाने पीने की शैली है वो भी बदल गई है, जिसकी वजह से भी हमको रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बारे में देखिए आगे बता रहे हैं।
तो देखिए जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल, वर्तमान समय में असंतुलित जीवन शैली भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, जिससे हमारे खाने पीने का ढंग, खाने पीने की चीज़ों का प्रकार, व्यायाम, विश्राम व मानसिक तनाव आदि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो यह कुछ कारक हैं, तीन कारक हैं जो मैंने आपको बताया जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ कर्तव्य था बताना, तो मैंने आपको बता दिया। तो सीधा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सीधा आप लिख देना। तो यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको अच्छे स्वास्थ्य के लाभ बताऊंगा, ठीक है।